कोई भी गाना हम देखते हैं कि सिंगर हम देखते हैं कि बहुत ही मेहनत से गाते हैं और लोगों को पसंद आता है, एज एन सिंगर क्या फील होती है? सबसे पहले ये जानना चाहिए आपसे, हम आवाज जो है लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। एज ए सिंगर मुझे ऐसा लगता है कि हम नवाब में मैंने कुछ कुछ ऐसे सुर छेड़े हैं जो शायद पहले आपने नहीं सुने होंगे। मेरी वॉइस एक अलग तरह से यूज़ करी है रॉकी शिव ने, और एक बहुत ही अलग अप्रोच में, जो होता है ना हर लाइन में, जिसे बोलते हैं ना कि हर लाइन में एक एक्सप्रेशन आ रहा है, वो हमने अचीव करा है। एंड आई थिंक हम नवा हैज़ बीन संग वेरी वेरी ब्रिलियंटली, वेरी वेरी ब्रिलियंटली। अभी उसका हम लोगों ने एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करा है जिसमें बहुत सारे सिंगर्स कवर कर रहे हैं हम नवा को, और मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं कि गाना सुनने में जितना आसान है उतना गाने में लगता नहीं आसान। सो आई थिंक दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई टेक इट फुल फुल हार्टेडली। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या बात, तो वेनिस। वेनिस, तो आप बताइए कि जब इस तरह से रोमांटिक गाना हो और रोमांटिक लोकेशन हो तो क्या कुछ फील होती है, होता है? एंड क्योंकि प्यार का भी एक, क्योंकि हम देख रहे थे, अगर हम वो गाना सुनेंगे तो एक लव की याद आती है, किसी भी इंसान को अपने प्यार की याद आ जाती है, पहले प्यार की याद पहले आती है। प्यार की याद आ जाती है। अगर आपको अपने पहले प्यार की याद आ रही है हमनवा सुन करके, तो हमने अपना काम सही करा है, क्योंकि ये गाना बनाया ही उस इंटेंसिटी से है जो इंटेंसिटी इंसान अपने पहले प्यार में फील करता है, और उस प्यार को जब खो देता है तो उसके बाद इंसान के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे वो अपनी लाइफ के लिए, उसके आगे हमेशा के लिए बदल जाता है। कितनी बार वो अच्छे होते हैं चेंजेस, कितने बार वो अच्छे होते हैं चेंजेस, कितने बार वो अच्छे नहीं होते चेंजेस, बट चेंजेस ज़रूर लाता है पहला प्यार आपके अंदर। बहुत कम लोग हैं जिनको अपने पहले प्यार से ही उनके साथ अपना फ्यूचर सेट हो जाता है, बट 99% लोग हैं जिनका पहला प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता। नहीं होता, सभी को आपने जो है अपने अपने पहले प्यार की याद दिला दी। तो जब, क्योंकि गाना जैसा कि आपने भी कहा, गाना हम सिर्फ सुनने में जितना आसान है उतना बोलने में या एक सिंगर के लिए उतना आसान भी नहीं। आपको कमेंट जो हम भी सुन रहे थे, तो आप बताइए कि आपके लिए कितना ईजी था ये, क्योंकि आप तो उत्तराखंड से आते भी हैं, तो आई डोंट नो कि आपके लिए कुछ इतनी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन अगर उस नहीं, लेवल से अगर आपको लगा। ये धुन मुझे इस धुन से इंट्रोड्यूस करा था 3 साल पहले। मैं 3 साल पहले इसकी धुन सुनी थी, ना 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 ना, 3 years back आई हर्ड, और तब से वो मेरे साथ बस रही है, तब से मेरे साथ वो है, इट इज़ विद मी। मुझे नहीं पता था अभी मैं 3 साल बाद जाके इसके ऊपर इतना बड़ा म्यूज़िक वीडियो करूँगा, मुझे नहीं पता था लोग उसको इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। वो जुड़ गई थी, अभी वो मेरे मेरा एक ना रूल रहा है, जब भी मैं किसी गाने को गाता हूँ ना, मैं उस गाने को अपना बना लेता हूँ, मैं उसको उस तरह से गाना चाहता हूँ कि सुनने वाले को लगे कि शायद इसी ने लिखा होगा, इसी ने करा होगा, इसी ने गाया होगा। यू नो दैट्स माई जॉब एज अ सिंगर, मुझे उतना कैरेक्टर लाना है टेबल पे। एक कंपोज़र के लिए गाने को अपना बनाना पड़ता है। सो आई थिंक हमनवा मैंने अपना बना लिया गाना, एक एक चीज़, एक एक चीज़ मैंने महसूस करी, एक एक चीज़ मैंने उसे फील करके गाया, और एक एक एक्सप्रेशन जो मैं फील कर रहा हूँ वो शायद आप इसलिए फील कर पा रहे हैं क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ में सुनाई दे रहा है। आपके घर वालों ने देखा होगा ये सिंगर और आपको फीचर करते हुए भी देखा होगा, क्या कमेंट था वहाँ से, क्या कुछ फीडबैक मिला, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो? उन्होंने बोला बहुत अच्छी एक्टिंग करी तुमने। ओ हाँ, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी करी यार, उन्होंने वो चीज़ देखनी थी, सुना मुझे बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनको पता है एज अ सिंगर मेरा पोटेंशियल क्या है, बट उन्होंने कभी एक्टिंग करते मुझे इस तरह से नहीं देखा था, तो उन्होंने एक्टिंग देख के काफ़ी खुश हुए, उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। मैंने कहा रहने दो, अभी संगीत कर लूँ मैं पहले ढंग से अभी संगीत शुरू हुआ है बिल्कुल, तो पहले संगीत कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि मेरे घर वालों को पसंद आया यार, क्योंकि म्यूज़िक वीडियोज़ में कितनी बार कुछ भी हो जाता है, कितनी बार घर वालों को चीज़ें पसंद नहीं आती है, बट इसमें लकीली मेरे घर वाले फुली सपोर्टिव थे। जी, टी सीरीज के साथ कैसा रहा आपका कोलैबोरेशन एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस जब जब आप टी सीरीज के साथ काम करते हैं? मैंने बहुत सारे लेबल्स के साथ काम करा है जब से मैं बम्बई आया हूँ, पर सारे लेबल्स में मुझे ऐसा लगा कि जो जुबिन नौटियाल है ना वो खो रहा है कहीं। जुबिन नौटियाल कहाँ है? जुबिन नौटियाल की जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ है? एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी होती है जो आर्टिस्ट को आगे ले जाती है। कॉपी तो आप बहुत लोगों को कर सकते हो,
लेकिन जो आपकी ओरिजिनलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है, और उसी चीज़ में आपको भी मज़ा आएगा आगे जाके सेलिब्रेट करने में। तो मुझे ऐसा लगा कि वो खो रही है। टी सीरीज़, जब टी सीरीज़ के साथ मैंने काम करा और मैंने रियलाइज़ करा कि यहाँ पर क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो इट्स वेरी गुड फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी इट्स अ कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट। वी वर्क एज अ फैमिली, वी वर्क एज अ टीम, एंड हर इंसान के इनपुट को बहुत सीरियसली सुना जाता है, और पूरी टीम साथ में काम करती है, लिरिक्स पे, प्रोडक्शन पे, वीडियो पे, वीडियो की स्टोरी पे, हर चीज़, मतलब यू नो दे वर्क टुगेदर, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, एंड यू विल सी अस वर्किंग अ लॉट ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो इन टाइम्स टू कम। आई थिंक हम लोग दोनों को बहुत मज़ा आया। चाहते थे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने गाने को हिट कराया है, इतना ढेर सारे व्यू आ रहे हैं गाने पर? फैंस के लिए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आप लोग मुझे प्यार करते हो, वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का प्यार है। वो एक अनकंडीशनल लव है, उसमें आपको बस मुझसे प्यार है, और जो मैं आपके लिए प्यार महसूस करता हूँ वो भी सिमिलर है, इट्स अनकंडीशनल लव। हमें पता नहीं हम लोग कभी मिलेंगे इन पर्सन, नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो। मैं आपके साथ एक आवाज़ की तरह हूँ और आप मेरे साथ दुआओं की तरह हो। तो अपनी दुआएं बनाए रखें, और कोशिश करूँगा आप लोगों को कभी निराश ना करूँ, हमेशा अच्छा संगीत दूँ, और आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app, Movie 9 PM.